हेलो स्टूडेंट, ई सुविधा कार्यक्रम को तुम मानक बहुत बहुत स्वागत। अच्छा पिलामाने, आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहर गोटे गद्यटे पढ़वा जार ना हूँ उत्कल पुत्र प्यारीमोहन। ये विषयटर लेखक होती डॉक्टर भ्रमरवर सामल। आस आगे प्रथम तक विषय कि जानदबा। डॉक्टर भ्रमरवर सामल से जड़े शिशु साहित्यक से जड़े साहित्यक शिशु मानी से बहुत गुड़े गप एवं कविता लिखी जाइंट। से प्रथम तक विषय आस जाना से 1937 मसीहा अक्टोबर मास दस तारीख रे जन्मग्रहण करथिले। डॉक्टर भ्रमरवर सामल 1937 मसीहा अक्टोबर मास 10 तारीख रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर साहित्य कृति गुड़िक होची तम भाया पिला मान से जो लिखिं से गुड़िक होची विदेशी कहानी माला, नील पहाड़, पिलांको दूरदेश कथा, पत्थर जुगर मनीष, गाँ आमर सरगपुर, शिखर चंडी एवं सापुआ केड़ा, एगुड़िक हूँ रचित केतेक शिशु साहित्य जोगुड़िक से तुम भाया पाई लिखिंट। ये डॉक्टर भ्रमरवर सामल विषय रे। तेणु आम ये आज जो पढ़ा उत्कल पुत्र प्यारीमोहन आम जाचे जे बहुत पुरातन समय रु आम ओडिशा माटी रे बहुत महापुरुष मैंने जन्मग्रहण करम माटी माँ निजक बहुत गर्व अनुभव करे। से आम ओडिशार गर्व आउ गौरव से मानकर जीवनशैली आउ आदर्श आम ओडिशार लोक मान बहुत प्रेरणा जोगाई थाए। तेणु एमती अनेक महापुरुष विषय आम पूर्व पढ़ीचे जाणीचे जपरी गोपबंधु दास हूँ आचार्य हरिहर हूँ एपरि बहुत महापुरुष जो मैंने कि ओडिशार जन्ममाटी जन्मग्रहण करें। आज ये जो विषयटी पढ़ुचे सेमती गोटे महापुरुष जीवनी उपरे विषयटी आधार से महापुरुष ना हूँ उत्कलपुत्र प्यारीमोहन आचार्य। तांकर ना हूँ उत्कल पुत्र प्यारीमोहन आचार्य। तम बहरे भी तांकर चित्र देछि फोटो चित्र मुँह भी गोटे फोटो चित्र आंची देख ये हूँ से महापुरुष फोटो चित्र उत्कल पुत्र प्यारीमोहन आचार्य। आज आम तांकर विषय पढ़वा तेणु आम जानी जे पूर्व आम देश इंग्रेज माने ताको अधीन शासन निजे रखी थे तेणु ये इंग्रेज शासन निजक उद्धार करने इंग्रेज शासन ठारु निजक मुक्ति करने बहुत एमती वीरपुत्र मैंने आम ओडिशा हो भारत माटे जन्मग्रहण कर इंग्रेज विरुद्ध लड़े करते। आज आम ये जो विषय पढ़ु उत्कल पुत्र प्यारीमोहन तक विषय में देखा से किपर इंग्रेज विरुद्ध लड़े करते। तेणु मु प्रथम यार प्रथम अनुच्छेद पढ़ुची तुम्हें मैंने तुम साहित्य बही काढ़ एवं भल भाव देख शब्द गुड़िक किपर उच्चारित होम साहित्य बहर 94 पृष्ठा काढ़। आज को प्राय 100 वर्ष तलर कथा से कालरे गोटे पत्रिकार दरखास्त जुतियान अर्थात
जोता मानकर निवेदन नाम व्यंगात्मक लेखाटीए प्रकाश पाइला। यह कटक सहर आवर्जनापूर्ण अपरिष्कृत रास्ता को लक्ष्य कर लिखा जाता। सेतेबेले इंग्रेज माने थिले ए देशर शासनकर्ता। सेमानक मध्यरे ए लेखाटी प्रतिक्रिया सृष्टि कला। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एरभिंग साहेब अत्यधिक भावरे रागिगले। लेखाटीर प्रकृत लेखक किए बोली खोजा चलिला। जना पड़ला जे लेखक जनक होउचंती कटक कलेजर द्वितीय वार्षिक श्रेणीर जने छात्र। से ही कलेजर अध्यक्ष थिले चंडीचरण बाबू। तांकु सरकारी निर्देश दिगला उक्त छात्र को कॉलेज रु बहिष्कार करदे। चंडीचरण बाबू पिलाटी को निज ऑफिस को डकाई क्षमा मागियापाई परामर्श देले। किंतु स्वाधीन चेता निर्भीक छात्रटी एथिरे सम्मत हेला नहीं। से दृढ़ कंठरे कहला सार जहाँ लेखाई ताहा अक्षर अक्षर सत्य। मुपरी एक सत्य घटना प्रकाश कर किसी भूल करना मो पक्षरे एपरी अन्याय क्षमा प्रार्थना करिबा संभव नुहे। पिलाटीर एपरी दृढ़ मनोभाव हेतु शेषे से कॉलेज रु बहिष्कृत हेले। दृढ़ मना व्यक्ति निज सिद्धांत अटल रही बहु बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइतांती। किंतु से दृढ़ता ही तांकु परिशेषरे अपूर्व साफल्य आनी देथाय। तेणु आज आम जो प्रथम अनुच्छेद पढ़ले से विषय टी बुझे नवा देखा। आज जो लेखाटी प्रकाश पाई से लेखक लिखिंट ये घटनाटी प्राय आज को शहे वर्ष तलर कथा। से काल गोटे पत्रिका दरखास्त जुतियान अर्थात जोता मानकर निवेदन नाम गोटे व्यंगात्मक लेखाटीए प्रकाश पाइला। तेणु दरखास्त जुतियान अर्थात जोता मानकर निवेदन ये हूँ लेखा। ये लेखाटीर ना थिला दरखास्त जुतियान। अर्थात जोता मानकर निवेदन। जोता माने किछ तांकर मनर कथा कहबा को चाहुचंती। एहा थिला गोटे व्यंगात्मक लेखा। अर्थात कौनसी कथा को सीधा सड़क भाव न कही व्यंग माध्यम थट्टा माध्यम ए लेखाटी प्रकाश करा जायतिला। तेणु व्यंगात्मक शब्दर अर्थ होउछि उपहासमूलक बा थट्टा करी। उपहासमूलक बा थट्टा ए जो लेखाटी थिला एहा गोटे पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला। यह कटक सहर आवर्जनापूर्ण अपरिष्कृत रास्ता को लक्ष्य कर लिखाई। यह क्या लिखाई है यह लिखाई कटक जो अपरिष्कार रास्ता आवर्जनापूर्ण रास्ता तार उपरे ये लेखाटी प्रकाश पाई। तेणु से आम जानचे जे इंग्रेज मैंने आमको शासन करुले से आम शासनकर्ता। ये लेखाटी जिते बड़े प्रकाश पाइला से बहुत गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि कला इंग्रेज मानक उपरे जे से आम विरुद्ध एपरि लेखा प्रकाश करिवार किए साहस करछि। तेणु यह बहुत गोटे प्रतिक्रिया प्रकाश करथिला। सेतेबेले तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट थिले एरभिंग साहेब। तांको नाम थिला एरभिंग साहेब। से थिले जिला मजिस्ट्रेट थिले एरभिंग साहेब। तेणु सी जेतेबेले लेखाटी प्रकाश पाइला से लेखाटी पढ़ी अत्यधिक भाव रागिगले। से कहले लेखाटी किए प्रकाश कर बाहर करे प्रकाश ताको खोजा हेटु चलला। तापरे ए लेखाटीर प्रकृत लेखक जेतेबेले जना पड़ला सी थिले कटक कॉलेज द्वितीय वर्षर जने छात्र। ए लेखाटी को लिखिथिले से ही जो कॉलेज कटक कॉलेज से द्वितीय वर्ष छात्र जी लेखाटी लिखिथिले से ही कॉलेज अध्यक्ष थिले चंडीचरण बाबू। कटक कॉलेज अध्यक्ष थिले चंडीचरण बाबू। तांको कानेर जाए कथाटे पड़ला जे तांकरी कॉलेज गोटे पिलाटे एपरी लेखाटी व्यंगात्मक लेखाटी प्रकाश करछि। तेणु इंग्रेज को निर्देश रे से पिलाटी को डकाई ताकू क्षमा प्रार्थना करबा लागि कहिले। निस्सर्त भावे कौन शर्त न रखी ताकू क्षमा प्रार्थना करबा को कहिले। मात्र से पिलाटी एथिरे सम्मत हेला नाही। सम्मत हेबा अर्थात राजी हेबा।
ସେ ପିଲାଟି ଯେ କଟକର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଚରଣ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାର ଏପରି ଦୃଢ଼ ମନ ହେବ ହେତୁ ଶେଷରେ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏପରି ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଟିକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା, ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଦୃଢ଼ ମନା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହି ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୃଢ଼ ମନା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଟଳ ମନ ହିଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ, ସେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଏଇ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଆସ ଏଥିରେ ଥିବା ବହିରେ ଥିବା ଆମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ନ ହୋଇ ଯିଏ ଭାଇ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାତୃପ୍ରତିମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ନ ହୋଇ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାତୃପ୍ରତିମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିବା, ଗୁରୁ ନ ହୋଇ ଯିଏ, ତ ବହିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଉଛି। ଗୁରୁ ନ ହୋଇ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ। ସେଭଳି ପିତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃପ୍ରତିମ। ସାଧୁ ନ ହୋଇ ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ପ୍ରତିମ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେବତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରତିମ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଋଷି ନ ହୋଇ ଯିଏ ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ପ୍ରତିମ। ଏଥିଲା କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।